शांता प्रसाद का हर लफ्ज सर आंखों पर, अब्बा का हर लफ्ज सर आंखों पर। आइए बैठिए। अब्बा को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि उनका काम हो गया है, अब मिस्टर साहब का साला ग्रेनाइट का काम शुरू कर सकता है। ये रहे उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, मैंने सब पे साइन कर दिया है, लीजिए। इंस्पेक्टर ये शट अप। तुम्हें रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार जी साहब, पकड़ लो इन दोनों को। चलो मेरी बात, चलो तुम भी ले आओ। चले चल। आइए आइए ग्रेनाइट डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहब, आइए। आखिर मिनिस्टर के साले को कॉन्ट्रैक्ट दिला ही दिया, वेरी गुड। कौन से हाथ से दस्तखत किए थे जरा देखें तो सही? इसी हाथ से ना? ओ, बहुत लंबी हैं इसकी उंगलियां। भतीजे, इन्हें छोटा कर देते हैं। नहीं, मंत्री जी देखिए इसमें क्या आया है। देखिए सर क्या है, देखिए देखिए। आपके ग्रेनेड अफसर की उंगलियां। तुम जाओ। हेलो, उंगलियां मिल गई। कौन है? इसके बाद हाथ मिलेगा और फिर कटा हुआ सर। क्या? तुम्हारे आदमी और तुम्हारे साले के कॉन्ट्रैक्ट के कागज हमारे कब्जे में हैं। वैसे भी तुम्हारी सरकार माइनॉरिटी सरकार है, अगर इस ग्रेनाइट घोटाले की बोम्बा बोम अखबारों में हो गई, सरकार गिर जाएगी। कौन बोल रहा है? मंत्री महोदय, 1 करोड़ में सौदा महंगा नहीं है। अगर सरकार को बचाना चाहते हो तो पैसे का इंतजाम करो। हेलो 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 हेलो, मैं मंत्री इम्तियाज हुसैन बोल रहा हूँ, शांता प्रसाद जी को फोन देना। अब्बा, मिनिस्टर साहब का फोन है। हाँ इम्तियाज भाई, बोलिए। अरे क्या बोलूं शांता प्रसाद जी, किसी ने आपके आदमी और ग्रेनाइट अफसर को किडनैप कर लिया है और उस ग्रेनाइट अफसर की उंगलियां काटकर हमारे पास भेज दी है और धमकियां दे रहा है, कहता है 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साले को मिला, यह खबर अखबारों में छाप देगा। शांता प्रसाद जी, आप तो जानते हैं सरकार माइनॉरिटी है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सरकार गिर जाएगी। आप कुछ कीजिए शांता प्रसाद जी। इम्तियाज भाई, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आप फिक्र न करें, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ओके। सुदामा, मुस्तफा कहाँ है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मुस्तफा? मुस्तफा नहीं, गुलाम है मुस्तफा।
पहले मेरे लोगों को भेज दो। गोपाल, कागजात उनके पास दे दो। अस्पताल ले जाओ। ले गिन ले, एक दो तीन चार पांच छह सात। किसके लिए काम करता है? मैं नहीं बताऊंगा। किसके लिए काम करता है? तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, मैं नहीं बताऊंगा। अगर बता देता तो जान से मार देता। खाली एक ही धंधे में तो ईमानदारी बची है, आगे जाके कुछ तो बनेगा तू। सलाम मुस्तफा भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम मुस्तफा। मुझे पता था एक तू ही है जो मेरी इज्जत बरकरार रख सकता है, लेकिन अपना आदमी हाथों से लाचार हो गया है, उसके घर की देखभाल करना हमारा फर्ज है अब्बा। हो जाएगा, अपनों के लिए तेरे दिल में कितना रहम है। ये तो आपका कर्म है अब्बा। तूने अब्बा बोलना क्या शुरू किया, मैं शांता प्रसाद में तो पूरा जगत अब्बा बन गया। लेकिन एक बात कहूं, तेरे अब्बा बोलने में जो सच्चाई है ना मुस्तफा, वो किसी में नहीं है। वक्त क्या हो गया अब्बा? मेरा तो हो गया। मेरा भी हो गया मुस्तफा। मैंने देखा है तो अपनी नमाज में कभी खाड़ा नहीं करता। कुछ उसूल हैं अब्बा जिन्हें पाबंदी से निभाता हूँ। उसूल का तो पक्का है मुस्तफा, लेकिन आज तो आपके लिए उसूल तोड़ दिया। जुम्मे के दिन मारामारी की, उसके बाद अगर मेरा कोई है तो आप हैं, ऊपर अल्लाह नीचे अब्बा। बैठ बैठ बैठ। अब देख मुस्तफा, उस आदमी की जगह हमें गवर्नमेंट में कोई दूसरा आदमी तो रखना ही पड़ेगा। अगर सुदामा को वहां लगा दे तो क्या? सुदामा करेगा नौकरी? क्या वहां नौकरी करेगा? नहीं नहीं मुस्तफा भाई, मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी है। हाँ कहते तो नौकरी मिल जाती। सारा अंगूठा बात दर तू। नहीं मुस्तफा भाई। क्यों इसकी टांग खींच रहा है यार?
तुम मियां महादेव की जोड़ी वाकई एक मिसाल है यार। अब्बा इम्तियाज साहब से कहकर वहां कोई शरीफ आदमी बिठा दो, बाद में उसे मना लेंगे। हाँ चलो, अल्लाह ने बंदे को याद किया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।